मेरा दोस्त है जो मुझे अच्छे से जानता है, पर इन कहने वाले लोगों को हमारी दोस्ती खलती है। हम साथ में पढ़ते हैं, हम साथ में घूमते हैं, हम साथ में चलते भी हैं, पर इन कहने वाले लोगों को हमारे साथ चलने की आदत खलती है। सब कॉलेज में जाते हैं, नए दोस्त मिलते हैं सबको, सब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। उन सारे दोस्तों में से एक इंसान मिलता है आपको जो आपके लिए बहुत स्पेशल बन जाता है। धीरे धीरे आपकी बातें ज़्यादा शुरू होती है और फाइनली आप उसे एक टैग देते हो, बेस्ट फ्रेंड वाला। मेरी लाइफ में भी मुझे मिला है और बहुत अच्छी बात है कि वो सबसे डम लड़का मिला है मुझे। वो मेरी सारी बातें सुन लेता है और बहुत सारी बातें हम शेयर भी करते हैं, बट आज ये स्पेशली उसके लिए है। मेरा दोस्त है जो मुझे अच्छे से जानता है, पर इन कहने वाले लोगों को हमारी दोस्ती खलती है। हम साथ में पढ़ते हैं, हम साथ में घूमते हैं, हम साथ में चलते भी हैं, पर इन कहने वाले लोगों को हमारे साथ चलने की आदत खलती है। दिन भर उसने मेरी डांट खाई है, कई कई रातें उसने मेरी बातें सुनते निकाली हैं। वो मेरे गुस्से को भी झेल जाता है, वो मेरे गुस्से को भी झेल जाता है, मेरी खामोशी से मेरे नाराज़ होने का अंदाज़ा लगाता है। मेरी गलतियों पर मुझे समझाता है वो, मेरी नादानियों पर मेरा सहारा है वो। वो उन लोगों में से है जो दुनिया की भीड़ में भी मुझे ढूंढ लेता है, वो उन लोगों में से है जो आगे बढ़ने पर भी मेरे लिए रुकता है। अब एक कंडीशन होती है, हम लोग हॉस्टलर्स हैं इन जनरल, तो कॉलेज से जब हॉस्टल जाते हैं, अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ स्पॉट किया जाता है ना, तो अगले दिन तक वो लड़का वो लड़की पूरे हॉस्टल की भाभी बन चुकी होती है। ये भाभी भाई बताया भी नहीं, ये सब होता रहता है। तो उसके लिए उसके दोस्त उसे मेरे नाम से चिढ़ाते भी हैं, पर वो मुस्कुरा के उन सबसे पीछा छुड़ा लेता है। मैं रो भी देती हूँ उसके सामने बिना डर के, वो भी मुझे अपनी हर बात बताता है। मेरा मूड ठीक करने के लिए वो कभी कभी नाना नानी की कहानियाँ भी सुनाता है। जो नेक्स्ट लाइन है वो मोस्ट रिलेटेबल है। अगर आपकी लाइफ में मेल बेस्टी है तो आपने 110% सुनी होगी, तू मेरे लिए एक लड़की भी नहीं ढूंढ सकती। इस लाइन से मेरा सामना रोज कराता है, तेरे सिवा मेरा है ही कौन यहाँ। ये लाइन बोल के मक्खन भी बहुत लगाता है। उसे मेरा सिंगल रहना पसंद है, कहता है कि लोगों को दिखाने के लिए कभी कभी तुझसे काम चल जाता है। उसकी बेवकूफियाँ मुझे मुश्किल में डाल देती हैं, लाइट ले यार कह के सब टालता है। मेल बेस्टी जो होते हैं ना, वो इन जनरल डुअल रोल प्ले कर जाते हैं कभी कभी, क्योंकि अगर आप किसी लड़के का क्रश हो तो वो लड़का आप जाके आपकी मेल बेस्टी को अप्रोच करता है, फिर आपका मेल बेस्टी आपको अप्रोच करता है। बट जो मेल बेस्टी होता है ना, वो ये करता है कि जब वो लड़का आता है उसके पास, तो वो सीधे ये बोलेगा, आज के बाद दिख मत जाना उसके पास, देख लेना। और लेकिन जब अपने पास आएगा ना, तो जब पता है पूछ रहा था तेरे बारे में, बता दूँ सबको, ये उसका रोल होता है। मेरे लिए लड़ाइयाँ की हैं उसने, उसने मुझे भी लड़ना सिखाया है। मैंने लोगों को दोस्त बनाया है, उसने मुझे दोस्तों पे भरोसा करना सिखाया है। मंचला है वो, आवारा भी है, मुझे आवारा बनना सिखाता है। ढीट है वो, मेरी मार भी बहुत खाता है। जो लास्ट लाइन है, स्पेशली अगर आपको बहुत 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 पसंद आए तो प्लीज़ आई वॉन्ट योर चीयर्स। कमियाँ उसमें बहुत है, पर मेरे लिए वो खास है। मैं कहती हूँ उससे, इस दुनिया को अपनी दोस्ती खलती है, और वो मुझे यही कहता है, तू पागल है, ये दुनिया अपनी दोस्ती से जलती है।